ये है थानी दास अमीला। मुझे यहीं से बस अवेलेबल होने वाली है गोरखपुर स्टेशन जाने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है, इस हाईवे पे मुझे मऊ से जो गाड़ियाँ गोरखपुर के लिए जाती है सिर्फ वही अवेलेबल हो पाएगी जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। हम पिछले 45 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं। सो मैंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है, हम यहाँ से जाएंगे दोहरी घाट। ये है दोहरी घाट बस स्टॉप। अब ये जो ऑटो देख रहे हैं दोस्तों, ये जिस रास्ते से जा रही है इसी रास्ते से अगर वाराणसी से कोई बस आती है तो वो मुझे अवेलेबल हो जाएगी, और ये जो दूसरा रास्ता है यहाँ से साइकिल आ रही है, यहाँ से मऊ की तरफ से जो बस आती है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल दो ऑप्शन हैं जिससे बस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये जो साइकिल जिस रूट से जा रही है इसी रूट पर हमें चलना है। दोहरी घाट से गोरखपुर बस स्टॉप तक का 76 रुपीज़ लगा बस से। अब मैं 20 रुपीज़ सीट पे ई रिक्शा से गोरखपुर स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। महज 5 मिनट लगे और हम रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए। चलिए उतरते हैं। सो ये रहा फ्रेंड्स गोरखपुर स्टेशन, जो बाहर से इतना खूबसूरत दिखता है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला है ना, ये देखो। और ये रहा गार्डन जहाँ पे आप आराम भी कर सकते हो, वो एक रेलवे इंजन है बच्चों के मनोरंजन के लिए। और ये रहा एंट्री पॉइंट जहाँ से आप स्टेशन के अंदर आते हो। चलो फ्रेंड्स अंदर चलते हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इंक्वायरी काउंटर पर पूछ सकते हो या तो इंडिकेटर में चेक कर सकते हो। तो मैं इस वक्त वही चेक कर रहा हूँ, गाड़ी नंबर है 01016 कुशीनगर स्पेशल। एक बार इसमें देख लेते हैं, चला जल्दी 01016 आ गई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है फ्रेंड्स। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम गोरखपुर स्टेशन आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ या एस्केलेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा पीछे आप आएंगे ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। चलिए दोस्तों अब गोरखपुर स्टेशन भी घूम लेते हैं थोड़ा। तो मज़ा आया स्टेशन घूम के। वैसे तो है बड़ा स्टेशन है और ट्रेन भी आ गई है मेरे पीछे, देख रहे हो यही है ट्रेन। चलो अब चल के देखते हैं ट्रेन के अंदर सीट वगैरह, फ़िलहाल अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं अंदर इसलिए। और अभी थोड़ी देर में जाएंगे, चेक करते हैं ट्रेन भी कैसी है अंदर से। चलिए ट्रेन तो आ गई है बट अभी तक एयर कंडीशन स्टार्ट नहीं किया है लोग ने, इसलिए अंदर बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए थोड़ा बाहर घूम लेते हैं हम लोग। और जुगाड़ के भी मामले में गोरखपुर कब नहीं है, पीछे नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये ज़रा देखिए। खैर छोड़िए, चलिए चलते ट्रेन के अंदर, एयर कंडीशन भी स्टार्ट हो गई है। वो अंदर ठंडा है फ्रेंड, एयर कंडीशन इन लोग ने चालू की है। वो अंदर साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी की है इन लोग ने, मुझे कहीं भी सीट के ऊपर कचरा या कहीं फ्लोर पे कुछ कचरा वगैरह तो नहीं दिख रहा है। साफ़ सुथरा इन लोग ने बहुत अच्छे से किया है और लोग भी आना स्टार्ट कर दिए हैं अंदर। और ट्रेन कुछ अभी खाली दिख रही है क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट होने वाली है, अभी धीरे धीरे आएंगे। अभी करीबन 45 मिनट बाकी है ट्रेन को यहाँ से जाने से, तो लोग धीरे धीरे आएंगे। और ट्रेन कुछ इतनी खूबसूरत दिख रही है अंदर से फ़िलहाल तो। चलिए सामान लाके रख देते हैं बाहर से। चलिए फ्रेंड्स सामान तो लाके मैंने रख दिया, लेकिन यहाँ ऐसे आराम से बैठने से पहले मैंने सैनिटाइज़र से स्प्रे किया है पूरे सीट पे, ताकि अगर कोई वायरस वगैरह हो तो वो मुझे नुकसान नहीं करे। और ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, आप इसे ज़रूर लेके आना अपने साथ, ताकि कुछ वायरस वगैरह हो तो उससे आप अपना बचाव कर सको।
चलिए फ्रेंड्स, ट्रेन तो स्टार्ट हो गई है। एग्जैक्ट 7:11 पे ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है। लॉकडाउन से पहले ये नज़ारा आपके अपने किसी खास के आंखों में आंसू ज़रूर ला देता था। अगर वो आपको छोड़ने स्टेशन तक आता था ना, उसकी दिल की धड़कनें ज़रूर थोड़ी कम करके आपके लिए प्यार को बढ़ा देता था। कुछ कदम वो भी बढ़ाता था आपकी तरफ ट्रेन के साथ। चलिए फ्रेंड्स, सुबह तो हो गई, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत है फ्रेंड्स, इसे देख के ही मन फ्रेश हो गया है। चलिए आपको ट्रेन के अंदर भी दिखा देते हैं सुबह के 6:30 बजे लोग क्या कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। आई गेस सभी उठ गए होंगे या तो सो रहे होंगे। अब लोग ज़्यादातर सोए ही हैं फ्रेंड्स, और कुछ लोग उठे हैं जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, और ज़्यादातर लोग तो सोए हैं। बच्चे तो ऑलमोस्ट सभी सोए हैं और घूम रहे हैं कुछ लोग इस तरह। एयर कंडीशन में नींद बहुत आती है फ्रेंड्स, अगर आप कंबल लेके सो जाओ ना तो नींद तो बहुत अच्छी आती है। चलिए यहाँ से बाहर देखते हैं क्या है, यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है। लोग इस खूबसूरती का मज़ा ले रहे हैं, आप भी देखिए फ्रेंड। फ्रेंड्स, नीट तो बड़ी अच्छी आई है एयर कंडीशन के अंदर। मैं ब्लैंकेट लाया था सो मुझे इतना एहसास नहीं हुआ ठंड का, बस पिलो वगैरह होता ना तो थोड़ा और मज़ा आ जाता। अच्छा है वैसे, मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में, लॉकडाउन में और क्या चाहिए। रिटायर एसी में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इमरजेंसी बेसिस पे ना, तो एक्सपीरियंस बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा डर है COVID-19 का, बट हाँ ठीक है, आप कर सकते हो ट्रैवलिंग अगर इमरजेंसी बेसिस पे आपको करना है तो। स्टेशन पे वैसे खाने पीने की चीज़ें वो पैकेट्स वाली अवेलेबल है, वो मैं देख सकता हूँ, बट स्टेशन आज से पहले ऐसे खाली खाली तो नहीं देखे थे। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ट्रेन से ट्रैवलिंग के टाइम पे मोस्टली स्टेशन पे आने के बाद ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें सुनाई देती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान वो शोर थोड़ा कम है और लोग सिर्फ ज़रूरत भर की चीज़ें ही बेच रहे हैं यहाँ पे, जिससे वायरस का ख़तरा कम से कम हो शायद इसलिए। छोटे बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं मानते, अपनी शरारतों से तो बिल्कुल बाज नहीं आते, और सच कहे इनकी क्यूट हरकतों से ना दिल जीत लेते हैं लोग। अब इन जनाब को ही ले लीजिए, ये अपनी क्यूट हरकतों से हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं ट्रेन में। ये हमारे को पैसेंजर है, और ये रहे इनकी अम्मी अब्बू और उनके बड़े भाई साहब और उनकी प्यारी सी बहन। अब ये अपनी शरारतों से सबका दिल ही नहीं जीत रहे हैं, ये मजबूर कर दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ खेलिए, हमसे बातें कीजिए। ये बहुत क्यूट हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की शरारतें कुछ कम हैं, बट इनके आगे सभी मजबूर हैं।
अगर छोटे बच्चे आसपास हो ना तो लंबा सफ़र भी लंबा नहीं लगता है। इनकी मासूम शरारतों के आगे तो वक्त पता ही नहीं चलता कब बीत जाए। इनकी मुस्कुराहट, इनके साथ खेलने में जो वक्त बीतता है वो वक्त बहुत कीमती भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है। ये बहुत क्यूट है सच में। अगर आपके आसपास बच्चे ना भी हों तो दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि खिड़की के बाहर का नज़ारा दिल जीतने में कोई कमी नहीं रखता। अब इस नज़ारे को ही ले लीजिए, इस नज़ारे को देखने के बाद मन तरोताज़ा हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत व्यू है। सच कहूँ तो सांसें थम सी जाती है इस नज़ारे को देख के, लेकिन इस नज़ारे को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़ास है। डर भी लगता है कहीं पलट ही ना जाए ट्रेन, लेकिन इंजीनियरिंग के इस अद्भुत आविष्कार को देखने के बाद एक अलग ही एहसास होता है। डर तो लगता है लेकिन दिल खुश हो जाता है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आपको इटारसी स्टेशन भी थोड़ा घुमा देता हूँ। वैसे तो अब पहले जैसी रौनक नहीं है यहाँ पे। पहले यहाँ पे ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें होती थी, मज़ा आ जाता था। लेकिन कुछ भी ना मिले ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे है, शॉप्स ओपन है, आप चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वो सब अवेलेबल है पास में ही। और इस वक्त स्टेशन कुछ इस तरह दिख रहा है, लोग कम हैं। भुसावल केले के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इस लॉकडाउन में देखते हैं भुसावल की तस्वीर क्या कहती है।
दोस्तों अब तो मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। आई एम श्योर जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको भी लगती होगी। ये वो सब्ज़ी है जो मुझे स्टेशन पे मिली, जो लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, साथ में ये पूड़ी। और ये खाना 100 रुपीज़ में मुझे रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू मिला है, जिसमें दाल, सब्जी, चावल, मीठे में ये सोन पापड़ी और अचार इन्होंने दिया है। अचार का कोई प्राइस है क्या? चलिए चेक कर लेता हूँ एक बार। अरे नहीं, प्राइस तो नहीं दिख रहा है। ये आम का ही अचार है, ये आम का ही अचार है। और साथ में ये केला मैंने भुसावल स्टेशन से लिया था। अगर रिव्यू की बात करें तो मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फ्रेंड, ये सिवाय इस आलू मटर की सब्ज़ी के, ये मुझे पसंद आई। और ये केले भी मुझे 40 रुपये दर्जन के हिसाब से स्टेशन पर मिले थे। खाना खाने के बाद अब तो मुझे जोरों की नींद लग रही है फ्रेंड्स। दोस्तों नींद तो बड़ी अच्छी लग गई थी, अच्छा हुआ मैंने अलार्म लगा के रखा था तो टाइम पे नींद खुल गई। ये रहा थाने स्टेशन, 8 नंबर प्लेटफॉर्म है ये। अब यहाँ से घर जाने के लिए रात को 3 बजे क्या यहाँ पे अवेलेबल है मैं वो चेक करके आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी यहाँ से एग्ज़िट पोजिशन ढूंढना है, क्योंकि ज़्यादातर रास्ते उन्होंने सील किए हैं। सो ये देखिए उन्होंने सील किया है, आप किसी भी ब्रिज से बाहर नहीं जा सकते हो, एक स्पेसिफिक ब्रिज है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसी ब्रिज से, बीच में है ये ब्रिज, जो नया ब्रिज अभी बना है रिसेंटली, उस ब्रिज से ही आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतर सकते हो, और 1 से आपको यहाँ से बाहर जाना है। ये रहा रिक्शा स्टैंड के लिए, और रिक्शा भी अवेलेबल दिख तो रही है फ्रेंड्स, आई होप चार्जेस ज़्यादा ना हो। गाइस मीटर पे तो यहाँ पे एक भी ऑटो जाने के लिए रेडी नहीं है। मुझे 3 किलोमीटर्स अंदर जाना था वेस्ट की तरफ, सो ये पर पर्सन 100 रुपीज़ के लिए मुझे इन्होंने चार्जेस बताए हैं। खैर मुझे जाना तो नहीं है, मेरे अंकल आ रहे हैं लेने के लिए, तो मैंने ये चार्जेस आपके लिए पूछ के रखे हैं। अगर आपको इनकेस ऐसे किसी सिचुएशन में थाने स्टेशन से जाना हो तो ये चार्जेस यहाँ पर है, मीटर पर नहीं अवेलेबल है। गाइज़ अगर आपके दिमाग में दिन में अवेलेबल होने वाली शेयर ऑटो के बारे में कोई ख्याल चल रहा है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, एक भी शेयर ऑटो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया है आप लोग के लिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मुस्कुराते रहिए।